वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू दी वाई फाइ स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया इज नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन चैनल एंड दी पार्ट ऑफ एन अकेडमी तो घड़ी में बच चुके हैं बिल्कुल आपके नौ पांच तो ये क्लास जो है वो हम फ्राइडे को करते हैं यहाँ पे तो हर फ्राइडे आपके किसी ना किसी सब्जेक्ट के पचास या साठ क्वेश्चन कवर करते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आज की क्लास में होने वाले हैं ये फिफ्टी सिक्सटी साठ क्वेश्चन जो है ये होने वाले हैं अच्छा सिक्सटी क्यों चुना है यहाँ पे क्योंकि चालीस क्वेश्चन जो है वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ यहाँ पे ना तो ये उसी के ही पार्ट टू है आपको पता होगा कि पिछले फ्राइडे हमने क्लास की थी जिसका टाइटल था फिफ्टीन मिनट्स है ना 15 मिनट्स वाले टाइटल वाली क्लास आप सबको याद है ये 15 मिनट्स के टाइटल में जो 40 क्वेश्चन अपन ने किए थे ना उसी 40 क्वेश्चन के आगे का ये सेकंड सीक्वेंस है यानी कि सेकंड पार्ट है राइट तो भाई हमारी भी क्लासेस के पार्ट पार्ट करके नाउ द पॉइंट इज़ दिस कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये मेमोरी बेस्ड होंगे मेमोरी बेस्ड का मतलब है कि यहाँ पे हम किसी भी तरीके की कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं लेकिन हाँ डिस्कशन एक चीज की हो जाएगी स्टैटिक जीके का आठ हजार वाला वन लाइनर वाला जो सीरीज है उसके लिए भी आप लोग को वो क्लास अगर एक संडे नहीं होती है तो वो विटामिन की डोज की तरह हो गया है ना तो ये विटामिन की डोज इस संडे आपको मिलेगी एज आई है हर संडे स्टैटिक जीके के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा तो एट थाउजेंड की स्टैटिक जीके की इस बार की जो क्लास है ना वो आपकी आठ बजे है संडे को राइट right? उससे पहले कल साइंस की क्लास है सात बजे तो उसके लिए आप आ जाइए तो कल साइंस की क्लास सात बजे और संडे को साइं ये स्टैटिक जीके की वन वी जो क्लास है ना उसके लिए आप आ जाइए यहाँ पे कितने बजे आठ बजे तो सिक्सटी क्वेश्चन हिस्ट्री के यहाँ पे अपने को कंप्लीट करने हैं एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बेसिस पे तो मेमोरी बेस्ड है साइंस का टेस्ट आपका सुबह रहता है जिसको हम कल की क्लास में करने वाले हैं सात से लेके साढ़े आठ बजे क्यों सात से साढ़े आठ बजे क्योंकि क्वेश्चन का नंबर होगा सौ तो सौ क्वेश्चन के लिए अपने को एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो चलिए उसके अलावा YouTube उसको आप फॉलो कर लीजिए तो हर दिन शाम को सात बजे अन अकेडमी पे जो सुबह अपनी छह बजे क्लास होती थी उसी क्लास को मॉडिफाई करके शाम को सात बजे कर दिया गया है तो ये क्लास आपको अन अकेडमी में फॉलो करनी है करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे इस क्लास को अपन ने ना 41 मिनट चैलेंज करके यहाँ पे नाम दिया है उसके अलावा अन अकेडमी पे आपकी स्कॉलरशिप चल रहा है जिसका पूल जो है वो वन करोड़ रुपए तक हो सकता है और अगर आप उसमें वन टू फाइव हंड्रेड की रैंक में कहीं पे भी आते हैं ना तो आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं तो आप इसके लिए अभी के अभी एनरोल कर लीजिए आपको अन अकेडमी पे एस एस कॉम्बेट एवरी संडे टेस्ट जो है वो मिल जाएगा तो आप उसमें एनरोल कर लीजिए अगेन आपसे एनरोल करने पे आपको कोड मांगेगा तो शिप्रा लाइव कोड जो है वो याद याद कर लीजिए क्या कोड आपको लिखना है यहाँ पे शिप्रा लाइव कोड जो है ना वो थोड़ा सा यूज करके देखे अब बाकी उसके अलावा आपके एसएससी के काफ़ी शानदार बैचेस जो हैं वो प्लस कोर्सेज में चल रहे हैं संकल्प है सफलता बैच है बहुत सारी क्लासेस हैं बहुत सारी वीडियो क्लासेस आपको मिल जाएंगी प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी सारे के सारे शानदार एजुकेटर्स आपकी क्लास ले रहे हैं तो उन क्लासेज में अगर आप एनरोल करना चाहें तो शिप्रा लाइव कोड यूज करिए ताकि आपको मैक्सिमम डाउट ऑफ बेनिफिट जिसे कहते हैं ना वो ना रहे डिस्काउंट मिले यहाँ पे और क्लास जो है वो आप अटेंड कर पाए तो जो भी क्लासेस आप अटेंड करना चाहें शिप्रा लाइव कोड जो है वो यूज कर सकते हैं और आप सबसे पहले तो काम ये करिए आप अकेडमी पे फॉलो कर लीजिए भाई देखिए फॉलो करेंगे तो शायद इतना सबको आपको ना मेमोराइज करने की जरूरत नहीं रहेगी फॉलो करेंगे तो जो भी क्लासेस हमारी पे मैं आपकी तरफ से साइंस का जो कोर्स लेके आ रही हूँ सारा सारा क्वेश्चन सारी सारी है नहीं, नहीं जानते ना सब दीपक तभी बताना पड़ता है ना थोड़ा सा यहाँ पे सुन लिया करो शायद अच्छा रहेगा तो यहाँ पे ये चीज बताइए क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं एक बार ना तो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर और ये देखिए सीधा सीधा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ठीक तो है तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनको एक बार आपको फटाफट आंसर करना पड़ेगा क्वेश्चंस करिए और पहले शेयर करिए ठीक है शेयर करिए जल्दी से क्लास जो है वो अपनी डेली होती है मैं आपको बता देती हूँ डेली के डेली मेरी क्लास सुबह सात बजे से आपको आना है और साढ़े छह बजे से मंडे पे मंडे से एक छोटा सा वीडियो आएगा जो साइंस से रिलेटेड होगा तो ये दो टाइमिंग है मेरे यूट्यूब पे आने के फ्राइडे को ये क्लास आपकी डेली मतलब हर फ्राइडे होती है ये क्लास ऐसी ही सेम क्लास जो है वो आपकी अन अकेडमी होती है चलिए क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे भट्ट जो प्रयाग के एक हिंदू दार्शनिक थे और विद्वान थे निम्नलिखित में से किसके आचार्य बोले जाते हैं बताइए कुमारीला भट्ट जो कि एक हिंदू फिलोसोफर थे और प्रयाग से बिलोंग करते थे इनको या ये किसके समकालीन या किसके आचार्य जो है ना वो बोले जाते हैं तो किस चीज के आचार्य बोले जाते हैं देखिए थ्योरिटिकल पार्ट है हिंदू कुमारेला भट्ट को हिंदू फिलोसोफर या ब्राह्मीण फिलोसोफर करके बोला जाता है और इनको बेसिकली हम बोलते हैं यहाँ पे कि यह मीमांसा थ्योरी जो है

सिक्के जारी करना देखिए हर काल में अगर हम एंशियंट और मिडीवल की खासकर बात करें तो वहां पे कोई भी सेलिब्रेशन हो रहा है तो उसका एक था कि भाई कोई भी सेलिब्रेशन होगा तो वील डू समथिंग है ना तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को देखते हुए बताइए कि राज राजा वन के द्वारा या इन लोग के द्वारा ये पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड था हम बोल सकते हैं ना सी e. के आसपास ठीक है? E. के का जो पूरा क्या करते थे बताइए टेंपल्स खड़े करते थे या फिर पिलर्स खड़े करते थे क्या करते थे तो टेम्पल्स करके याद राज राजाओं के द्वारा अपनी जो अः विक्ट्रीज थी उसको बताने के लिए टेम्पल्स को बनाया जाता था हर बार इनमें से किसके द्वारा जो है वो दवाइयों के लिए या मेडिसिन के लिए काम किया गया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कई बार आपने ये सुना भी होगा ये क्वेश्चन यहाँ पे कि आ, कैसे इसको आ, कई बार क्वेश्चन में आपने सुना होगा विश्वामित्रा जो है ना वो हम बोलते हैं कि विश्वामित्रा जो कि हमारे एपिक कई सारी जो महाभारत है उसमें रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे Uh, कई सारी जो एपिक बुक्स हैं उनमें इनका नाम मेंशन भी किया हुआ है और महाभारत के हिसाब से ये ये जो है ना विश्वामित्र के पुत्र जो हैं वो बोल के डिपेक्ट किए गए हैं तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको भी जरा याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा वत्स महाजनपद जन महाजनपद की राजधानी थी वत्स महाजनपद था या महाजनपद जिसका नाम बसता वो वक्स था उसकी राजधानी कौन सी थी कौशाम्बी आप एंशियट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कौशाम्बी को लेकर और पाटलिपुत्र को राजाओं के बीच में लड़ाई होती थी थोड़ा सा मिडिवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे यानी कि 1206 के आसपास बढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि कन्नौज के लिए सारे के सारे लड़ाई कर रहे हैं तो हर बार हर एक एरा में या हर एक सेंचुरी के अंदर कोई ना कोई एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता था तो पाटलिपुत्र है कौशाम्बी है ये ऐसी राजधानियां होती थी जो सारे के सारे राजा यहाँ पे लेना चाहते थे और

तो कनिष्का करके याद रखिए हु अमंग दी फॉलोइंग दी कॉन्टेम्पर लीडर ऑफ चंगेज खान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इनमें से कौन जो था वो चंगेज खान के समकालीन या कॉन्टेम्पररी बोला जाता था बताइए अच्छा अब यहाँ से थोड़ा सा ना मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं क्वेश्चन बड़ी आंसर देने की कोशिश करिए बहुत question, ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए अगर चंगेज खान की बात करते हैं तो चंगेज खान का जो भारत के अंदर आक्रमण हुआ था वो लगभग हुआ था 1200 के आसपास याद है सबको 1220 या 1221 बोला जाता है

इल्तुतमिश इल्तुतमिश के पूरे समकालीन में या समकालीन कहते हैं कि उसी पैरेलल में सबसे ज्यादा जो कॉपर या सिल्वर के जो सिक्के थे वो चलाए गए थे उस दौरान और इल्तुतमिश जो है वो अपने कालीन का यानी कि स्लेव डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स यहां पे बोले भी जाते हैं रजिया सुल्तान है ना उनकी लड़की व्हिच मुगल रूलर हैज हाईएस्ट हायर नंबर ऑफ हिंदूस एज मनसबदार देन मुस्लिम अंडर इज एडमिनिस्ट्रेशन बताइए किस मुगल शासक के काल में मुस्लिमों की तुलना में मनसबदार के रूप में हिंदुओं की संख्या जो है वो ज्यादा थी किस मुगल शासन शासक के शासन में मुसलमानों की तुलना में मनसबदार में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी एंड आई बेट आप में से मैक्सिमम क्वेश्चन इस क्वेश्चन का मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का ना आंसर गलत दे रहे होंगे बताइए रेवन सिंह भाटी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे चलिए बहुत अच्छी बात है अब ये वही वाली इमेज है कि राजा को जैसा दिखाना है वैसी इमेज बोली जाती है और मैं ये स्टेटमेंट कई बार दी इंडिया इंडिया के लिए खासकर में ना जो जैसा पोर्ट्रेट किया गया था शायद वो वैसा नहीं था और जो जैसा पोर्ट्रेट नहीं किया गया था शायद वो उसका अपोजिट था मतलब एक पॉलिटिकल अगर एस्पेक्ट में बोले और रिलीजियस एस्पेक्ट में बोले तो एक ही राजा की पॉलिटिकल छवि कुछ और हो सकती है और सोशल या जो रिलीजियस छवि है वो कुछ और हो सकती है ना

मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जल्दी आंसर दीजिए क्वेश्चंस कई बार आपने ये देखे होंगे किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो दंती दुर्गा वॉज ऑल्सो नोन एज दंती वर्मन इन्होंने कौन सी डायनेस्टी की खोज की थी बताइए दंती दुर्गा जिसे दंती वर्मन के नाम से भी जाना जाता है ये कौन से वंश के स्थापक थे बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है ये कई बार पढ़ोगे आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वैसे तो हम इनको अवॉइड ही करते हैं देखिए मुगल्स को पढ़ना हमारे लिए इजी होता है स्लेव डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत आप पूरी पढ़ते हो लेकिन दिल्ली सल्तनत के समकालीन चेरा चोला पांड्या राष्ट्रीय प्रतिहार गुर्जर इन डायनेस्टी को उसको थोड़ा सा हम अवॉइड कर देते हैं तो ऑन दैट कॉन्ट्ररी थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा दंती दुर्गा जो है वो किससे रिलेटेड है या दंती दुर्गा के द्वारा कौन सी डायनेस्टी को स्थापित किया गया था तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है ना चलिए इसमें नाम थोड़े बड़े हैं तो आप एबीसीडी लिख करके लिखेंगे तो भी चलेगा राष्ट्रीय कोटा डायनेस्टी लर्न कर लीजिए रजिया सुल्तान वॉस्किल्ड बाई विच ऑफ दी फॉलोइंग किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है ये पूरी की पूरी ना यहाँ पे अगर हम अल्बानिया अल्तूनिया के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा रजिया सुल्तान से रिलेट करके तो अल्तूनिया से रिलेटेड ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा भटेंडा नाम की जगह पे रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी यहाँ पे तो रजिया सुल्तान की हत्या निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा यहाँ पे की गई थी बताइए इसमें किसी को ये अल्तुनिया तो आंसर नहीं लग रहा था ना क्योंकि ऑप्शन में अल्तुनिया है नहीं यहाँ पे तो किस राजा के द्वारा यहाँ पे हत्या की जाती है तो हत्या या मर्डर जो है वो किसके द्वारा किया जाता है बहरम शाह किसके द्वारा बहरम शाह अब कई सारे बच्चे देखो यहाँ पे अच्छा बलबन कहाँ से ही आएगा आंसर थोड़ा सा आराम से बहरम शाह याद रखिए बहरम शाह के द्वारा रजिया सुल्तान की बटिंडा नाम की जगह जो आज आप जानते हो यहाँ पे वहां पे ये स्थित है ठीक है भटिया भटिंडा पे इनकी मृत्यु की गई थी विच ऑफ दी फॉलोइंग वॉज दक्सेसर ऑफ द रजिया सुल्तान अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए निनलिखित में से कौन रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश की और स्लेव डायनेस्टी की आपको पूरी जो कहानी है वो एक तरीके से पूरी लर्न होनी चाहिए कि रजिया सुल्तान को चालीसा जो थी वो बहुत ज्यादा अपोज कर रहे थे मतलब एक फीमेल लीडर का बैठना दिल्ली के सल्तनत या दिल्ली की गलती पे कम से कम उस जो डायनेस्टी के लोग थे वो तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पर क्योंकि इल्तुतमिश के जो बेटे थे वो थोड़े से इनकेपेबल थे थोड़े ज्यादा इनकेपेबल थे और पूरा का पूरा ना अपनी माता श्री के अंडर में थे इसीलिए रजिया सुल्तान जो है वो गद्दी पे बैठती हैं लेकिन यहाँ पे ये बता दीजिए कि रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद किसको बनाया गया तो ही यहाँ पे याद रखिएगा ठीक है शाह विच ऑफ दी फॉलोइंग सक्सीडेड जलालुद्दीन खिलजी अच्छा ये बताइए काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन हाँ आपको डायनेस्टी लर्न करनी है तो आपको सक्सेशन सकसे, वाले जो क्वेश्चन है वो लर्न करने पड़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी जो कि अंकल थे किसके अलाउद्दीन खिलजी के तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंकल की ही हत्या करके पूरा का पूरा खिलजी वंश जिसे कहते हैं या खिलजी वंश जिसे कहते हैं उसको स्थापित किया यहाँ पे बढ़िया तरीके से आ, स्थापित अः जलालुद्दीन खिलजी नहीं कर दिया लेकिन बेसिक जो बोलते हैं कि भाई किसके, किसके काल में वो पूरी की पूरी बहुत ऊपर तक ऊंचाइयों तक छूती है तो अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट पॉलिसी जो है वो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है पूरी दुनिया में है रिपीट मार्केट पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी से शानदार किसी की थी नहीं अलाउद्दीन खिलजी अपनी मार्केट पॉलिसी और अनैक्सेशन के लिए जाते हैं अकेले ऐसे राजा इन्हें बोला जाता है पीरियड पीरियड का माइंड इट मध्यकालीन भारत के अलाउद्दीन खिलजी अकेले ऐसे शासक थे जिन्होंने दक्षिण को भी पूरी तरीके से कवर किया इससे पहले कौन सी डायनेस्टी थी जिसने दक्षिण को भी पूरा कवर किया तो मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट याद रखिएगा लेकिन क्योंकि मौर्य डायनेस्टी हम एंशंट काल में रखते हैं इसीलिए मैंने एम्फोसाइज किया कि मिडिबल हिस्ट्री की अगर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ठीक है थीके? तो अलाउद्दीन खिलजी करके याद रखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए बीच ऑफ दॉ अपॉइंटेड एज अर्जिया मुमालिक मिनिस्टर ऑफ वॉर इनमें से हम किस शासन के काल के दौरान या इनमें से किसके लिए अगर हम बोलें तो इनको मंत्री के रूप में ना इस यहाँ पे नियुक्त किया गया था बताइए अर्जिय मुमालिक नाम के जो मंत्री थे वो किस शासन के दौरान जो है वो नियुक्त किए गए थे बहुत इजी क्वेश्चन है मैंने भैया पढ़ लो आप लोग को पढ़ने के अलावा बाकी सारी चीजों के बारे में बहुत इंटरेस्ट रहता है पढ़ लीजिए आप लोग प्लीज विच ऑफ दी फॉलोइंग सक्सेडेड जलालुद्दीन खिलजी तो पिछले क्वेश्चन का आंसर अलाउद्दीन खिलजी था उसके बाद अर्जी मुमालिक करके याद रखिए अर्जिय मुमालिक किसके समय पे बनाया गया था तो अलाउद्दीन खिलजी करके याद रखिए ठीक है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा

1320 से 1321 इतना तेरह सो बीस से तेरह सो इक्कीस के बीच में याद रखिएगा, और यहाँ पे आपको कौन नजर आ रहा है यहाँ पे तो खुशरो शाह खुशरो शाह करके याद रखिए इन्होंने यहाँ पे खुशरो शाह जो है गाजी मलिक जिसे कहते हैं गाजी मलिक को मार के खुशरो शाह जो है वो दिल्ली के तख्त पे बैठे थे लेकिन दिन तुगलक के द्वारा और उससे पहले उसकी पूरी सख्सीजन के दौरान इनको यहाँ पे राजा जो है वो बनाया जाता है तो भले ही एक साल के लिए सही लेकिन खुशरो बोलते हैं कि अकेले हिंदू शासन थे जो कि दिल्ली सल्तनत पे बैठते हैं ठीक है विच ऑफ दी फॉलोइंग वर आल्सो कॉल्ड एज कुरानु तुर्क इनमें से किसको कुरानो तुर्क के नाम से भी जाना जाता है इनमें से कौन सा जो है वो कुरानो तुर्क के नाम से भी जाना जाता है विच ऑफ दी फॉलोइंग वर ऑल्सो कॉल्ड एज और ऑल्सो नोन एज मतलब ये ऑफ दी फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कुरानो तुर्क करके तो तुगलक डायनेस्टी को क्या बोला जाता है कुरानो तुर्क के नाम से भी जाना जाता है निम्नलिखित में, में से कौन uh, सरब या सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान था विच ऑफ दी फॉलोइंग वॉज दी फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज दी सर्व और इरिगेशन टैक्स तो पहली बार इरिगेशन टैक्स जो है वो किसके द्वारा लगाए गए थे बताइए इनफैक्ट बोला भी जाता है यहाँ पे कि तुगलक डायनेस्टी के दौरान तुगलक डायनेस्टी के दौरान यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इरिगेशन है उसको सपोर्ट किया गया था सराबिया इरिगेशन जिसको कहते हैं सब सबसे ज्यादा सपोर्ट किया गया था तो किसके द्वारा सबसे पहले इरिगेशन टैक्स लगाए गए थे तो फिर वो अरे तुगलक यहाँ पे दो तीन है कितने मतलब देखो चलाकी देखो जरा खाली तुगलक आंसर कर रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे तुगलक नहीं है क्या यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट तुगलक शासक का नाम बता दीजिए जिसके द्वारा शराब या सिंचाई लगा सिंचाई कर लगाने वाले पहले सुल्तान के रूप में इनको जाना जाता है तो भाई फिरोज शाह तुगलक याद रखिए यहाँ पे अहमद भारी निजाम अहमद बहारी निजाम शाह निम्नलिखित में से किस शासन काल में यहाँ पे मौजूद है तो 1486 से लेके 1510 हंड्रेड सीई करके याद रखिए चौदह सो से लेके 1510 सो सीई अहमद भारी निजाम निम्नलिखित में से किस वर्ष में इब, अब इब्राहिम आदिल शाह ने बीदर पर कब्जा कर लिया बताइए बीदर की पे बात कर रहे हैं। इब्राहिम आदिल इन विच ऑफ फॉलोइंग बताइए बीदर के लिए लर्न करना है आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन सडनली एग्जाम्स में आते हैं करे हैं कई लोगों को शायद ये टॉपिक पूरा अच्छे से पता होगा लेकिन फिर भी आंसर करने में हल्की सी तकलीफ हो रही है यहाँ पे पूरा लर्न करना है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा बीदर जो है वो सोलह सो उन्नीस में कैप्चर यहाँ पे किया गया था राइट और इस पूरे वॉर के अंदर या इस पूरी सिचुएशन के अंदर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा किसको सपोर्ट करा गया था अकबर की सपोर्ट इन्होंने यहाँ पे बढ़िया तरीके से की थी राइट उसके लिए याद रखिए और अहमद नगर अहमद नगर नाम की जो जगह थी वो पूरी की पूरी अकबर को दी गई थी आदिल शाह द्वितीय के द्वारा अपनी बेटी की विवाह में जो उन्होंने अकबर से किया राइट नेक्स्ट यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किस शासन काल में गोपन्ना ठीक है गोपन्ना जिनको रामदास स्वामी के नाम से भी जाना जाता है जिन्होंने भद्रा चलम मंदिर का निर्माण किया था ये कौन से शासन के कालीन या किसके शासन के कालीन में यहाँ पे बोला जाता है बताइए कौन से समकालीन या कौन से शासन कालीन के दौरान इनको यहाँ पे जाना जाता है तो अबुल हसन करके याद रखिए ठीक है अबुल हसन अबुल हसन करके याद रखिए अबुल हसन विच ऑफ दी फॉलोइंग ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट निम्नलिखित में से किसने अनुवाद विभाग की स्थापना की ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट अच्छा ये बताइए सबसे पहली बार अनुवाद विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी मुगल रूलर है तो हुए निम्न लिखित में से किसने अनुवाद विभाग की स्थापना यहाँ पे की गई थी बताइए एक्चुअली हैव स्टार्टेड पे थोड़े से समकालीन या राजाओं की हम थोड़ी सी बात करेंगे तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये चीज हल्की सी यहाँ पे चली जाएगी पर आ, कैसे याद रखना है आपको ये बात बताइए कोई बात नहीं भाई हिमायूं अकबर सारे के सारे अकबर करके याद रखें सनी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे या ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट अनुवाद विभाग जिसे कहते हैं और आपको पता होगा कि इस दौरान सारे के सारे भारत के जो बड़े बड़े हिंदू माइथोलॉजी थे उनको पूरे को कन्वर्ट किया था सारे के सारे वेदा को कन्वर्ट किया गया था अथर्वेद या अथर्वेद पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया गया था नहीं तो यजुर्वेद और सामवेद भी आ, कन्वर्ट किए गए थे लेकिन थोड़ा सा ज्यादा फोकस जो है वो किसके ऊपर किया गया अथर्ववेद के ऊपर नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड इज इसी पीरियड में महाभारत जो है उसको भी कन्वर्ट किया जा रहा है और रामायण भी कन्वर्ट की जा रही है कौन सी भाषा में तो जरा भाषा याद रखिएगा पर्शियन भाषा में इसको सबसे पहली बार जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है अकबर याद रखिएगा ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट अकबर के द्वारा बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है किसके द्वारा निर्मित कराया गया था यानी कि किसने बीबी का मकबरा जो है वो निर्माण इसमें यहाँ पे कराया गया था तो पहली बात तो याद रखना है कि ये दिलरास बानो बेगम ट्रिब्यूटरी के लिए बनाया गया था और अगर आपसे कभी इस क्वेश्चन में सेंचुरी पूछ ली जाए कि कौन सी सेंचुरी में ये बनाया गया था तो आप सेंचुरी 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 याद रखेंगे कौन सी century? 17th century में आपको याद रखना है किसके द्वारा बनवाया गया था तो आजम शाह करके याद रखना है ठीक है तो बीवी का मकबरा औरंगाबाद में किसके द्वारा बनवाया गया था तो यहाँ पे प्लीज करके आप आजम शाह करके याद रखिए ठीक है ये औरंगजेब के बेटे बोले जाते हैं इनमें से किस किस मराठाओं के अधीन फॉलोइंग कारकुन थे अंडर विच ऑफ दी फॉलोइंग या मराठा जो है ना ये कारकुन जो है वो कौन बोले जाते थे यानी कि मराठाओं के पूरे काल में या मराठाओं के पूरे शासक काल में कारकुन किसको बोला जाता था बताइए कारकुन किसको बोलते थे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, या नॉर्मल इंस्पेक्टर्स हैं या नॉन ऑफ दी अब तो कारकुन जो है वो किसको बोला जाता था कारकुन किसको बोला जाता था बताओ कारकुन किसको बोलते थे रेवेन्यू ऑफिसर्स को बोलते थे ठीक है राजस्व अधिकारी जो थे उनको कारकुन करके बोला जाता था मराठा अच्छा ये चीजें क्यों इंक्लूड की जा रही है मुझे पता है ये वाले क्वेश्चंस आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद नहीं होते हैं मतलब इस टाइप के आपको है वो एकदम ट्रेडिशनल वॉर और ये सारे क्वेश्चन चाहिए होते हैं ना आपको लेकिन हिस्ट्री में मान के रखिए याद करके रखिए अगर हिस्ट्री में ना पांच क्वेश्चन आपके किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे तो तीन क्वेश्चन तो जो आप आंसर कर दोगे वो उसी टाइप के हैं ये दो क्वेश्चन जो रह जाएंगे ना वो इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल है लर्न करने में लेकिन इनके अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस करोगे तो आप लोगों की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए कारकुन नाम को अपन ने क्वेश्चन में इंक्लूड किया तो थोड़ा सा ना इसको मेमोरी बेस्ड जैसे मैंने शुरू में कहा इसको आप मेमोरी बेस्ड क्लास लगाइए ना रेवेन्यू ऑफिसर करके याद रखिए क्या बोला जाता है रेवेन्यू ऑफिसर इन निम्नलिखित में से किस पेशवा ने अदन्य पात्र की रचना की थी बताइए इनमें से किस अरे भैया ये देखो जरा अच्छा एक बात मुझे बताओ आप लोग भी स्टूडेंट्स हो सारे के सारे यहाँ पे क्या क्या चल क्या रहा है अभी कोई कुछ भी भेज रहा है मतलब ये फ्रीडम राइट टू फ्रीडम का ना बहुत बढ़िया तरीके से ना गलत चीज जो है ना इस्तेमाल करे हैं यहाँ पे चलिए बताइए यहाँ पे अः पात्र जो है उसकी रचना जो है वो किस पेशवा के द्वारा की गई थी बताइए अदन्य 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 पात्र की रचना कौन से पेशवा के द्वारा की गई थी थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से देखिए अभी वही वाली बात है कोई कुछ लिख रहा है थोड़ा सा हम भी तो लिख सकते हैं ना उसके बदले बढ़िया सा कुछ है पर ये चलिए ठीक है नहीं पंचायती करे भी नानेंगे नहीं, नहीं कुछ बच्चे वही वाली बात है दो परसेंट लोगों को को अटेंशन ही चाहिए होता है बिल्कुल सही बोला था अभी किसी ने ना एक सर ने बोला था यहाँ पे दो परसेंट लोगों की वजह से ये नाइनटी एट परसेंट लोग ना सफर कर जाते हैं हर जगह हर जगह चलिए ठीक है यहाँ पे बताइए अधन्य पात्र जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी तो पंत अमत्या करके याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है माइंडेड दोबारा मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलोइंग पेशवा तो रावा रामाचंद्रन पंत अमत्य इन विच ईयर बहानी किंगडम बहामी बहामानी भान, किंगडम जो है ये कौन से साल में एस्टेब्लिश किया गया था या एस्टेब्लिश हुआ था बताइए बहमनी किंगडम किसके द्वारा किया गया था तो तो इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है कि पूरा का पूरा डकन का जो पूरा एरिया था भारत का ये उसको पूरे को पूरे अपन बोल सकते हैं कि बहमनी जो किंगडम है इसको बोला जाता है अरेबियन सी से लेके पूरा बेस्ट बेंगोल बे ऑफ बेंगाल यहां से वेस्ट बंगाल तक गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक और अरेबियन सी की पूरी स्ट्रेच से लेके बे ऑफ बंगाल तक का ये पूरा जो साम्राज्य था ये बोला जाता है कौन से साल में एस्टेब्लिश किया था तो 1347 साउथ की हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी आपकी अलग चल रही है नॉर्थ की हिस्ट्री जो है वो अलग चल रही है 1347 निम्नलिखित में से किस इमारत में करेज की वास्तुकला प्रणाली का उपयोग किया गया था इनमें से कौन सी जो है ना ये वास्तुकला आर्ट एंड कल्चर का हो जाता है पूरा का पूरा यहाँ पे तो ये आर, ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर सिस्टम अगर करेज की बात की जाती है ये क्या है यहाँ पे पहले तो याद रखिए ये है क्या तो वॉटर सिस्टम करके याद रखिए या वॉटर कैनाल सिस्टम करके याद रखिए पानी को लेके जो सिस्टम पूरा बिल्डअप किया जाता है या बनाया जाता है वाटर की सप्लाई के लिए उससे रिलेटेड है ठीक है तो यहाँ पे जरा बता दीजिए बिदार फोर्ट करके याद रखिए बिदार का किला इनमें से कौन सी आर्किटेक्चरिंग सिस्टम को करेट सिस्टम जो है वो, वो मैं, कौन से किले में सिस्टम बनाया गया था तो विदार विदार फोर्ट करके याद रखिएगा का, का किला निम्नलिखित कांग्रेस अधिवेशनों में से कौन सा अधिवेशन पार्टी द्वारा मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की रियायत के लिए जाना जाता है बताइए कौन सा ऐसा कांग्रेस का सेशन हुआ था आईएनसी का इंडियन नेशनल कांग्रेस जहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है ना यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं उनकी डिमांड की गई थी बताइए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की गई थी कौन से मुस्लिम सेशन में जो है कौन से सेशन में मुस्लिमों के द्वारा सेपरेट इलेक्ट्रोरेट्स की डिमांड की गई थी बताइए पहली बार कब हुआ था और मैं यहाँ पे ये बता देती हूँ अंबिका चरण मजुमदार इसको हेड कर रहे थे यानी कि हेड उस टाइम पे कौन थे अंबिका चरण मजूमदार जो है वो यहाँ पे हेड है और इन्हीं के काल में या इन्हीं के ही आईएनसी के सेशन में जो हेडेड था सेपरेट मुस्लिम लीडर्स की बात किया गया बताइए अरे भगवान जल्दी से पे ऑफ़ दी फॉलोइंग कांग्रेस सेशन 1916 लिख लें यहाँ पे 1916 लखनऊ सेशन लखनऊ सेशन ठीक है कौन ने हेड किया था यहाँ पे तो अंबिका चरण मजूमदार अंबिका चरण मजूमदार करके याद रखिए ठीक है सेशन लखनऊ सेशन अंबिका चरण Who was the प्रेसिडेंट ऑफ the फ्लैग committee ध्वज दुआ, दुआ, समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए ध्वज समिति के यानी कि कमेटी जो बनी थी फ्लैग कमेटी जिसको बोला जाता है तो क्या था बताइए राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा फ्लैग कमेटी के जो बनाए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था इन विच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ब्रॉट अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण से अलग किया गया था तो 1773 करके याद रखिए किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में लाया गया था यहाँ पे तो रेगुलेटिंग एक्ट करके याद रखना है 1773 का क्या बोला जाता था रेगुलेटिंग एक्ट क्या बोलते थे इसको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ठीक है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेवनटीन बोला जाता है इन विच या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज बताइए इनमें से कौन सा साल ऐसा है जिस साल भारत ने या भारत ने गांधी पीस प्राइज जो है उसकी स्थापना की थी या उसकी शुरुआत की थी तो गांधी पीस प्राइज या यहाँ पे अपन याद रखेंगे इंटरनेशनल ठीक है इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज ये कब शुरू किया गया था जब महात्मा गांधी जी का वन जो है वो बर्थ एनिवर्सरी थी तब इसको शुरू किया गया था तो नाइनटीन याद रखना है कौन सा 1995. अब ये क्वेश्चन तो थोड़े इजी लग रहे होंगे पहले के मुकाबले टिल विच ईयर कैलकाता वॉज दी कैपिटल ऑफ इंडिया आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि कलकत्ता किस वर्ष तक भारत की राजधानी बन के रहता है और उसके बाद ये राजधानी जो है वो कहा शिफ्ट की जाती है दिल्ली दिल्ली यानी कि शिफ्ट कर दी जाती है इसकी अनाउंसमेंट जो है वो 1911 को हो गई थी हार्डिंग टू के दौरान किसके दौरान कौन थे गवर्नर जनरल हार्डिंग द्वितीय याद रखिएगा और बाद में इसकी शिफ्टिंग जो है वो कब की गई थी उन्नीस के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड हार्डिंग पे के हमले से संबंधित है बताइए हु अमंग दी फॉलोइंग विच अमंग दी फॉलोइंग इवेंट इज रिलेटेड टू अटा अटैक ऑन लॉर्ड हार्डिंग तो अभी मैंने बोला यहाँ पे कि हार्डिंग द्वितीय के दौरान जो थी वो ये दिल्ली जो है वो उसको कैपिटल बनाया गया था या कैपिटल के रूप में शिफ्ट किया गया था तो उसी चीज से इसको रिलेट करिएगा ठीक है दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी या दिल्ली षड्यंत्र के नाम से इसको यहां पे फिक्स करिएगा इनफैक्ट इसको बोला जाता है दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेंसी। पूरी को आप याद रखिए दिल्ली लाहौर कॉन्स्पेरेसी दिल्ली लाहौर कॉन्स्परेसी के हिसाब से आप याद रखिए कि हार्डिंग टू के ऊपर जो अटैक हुआ था द्वितीय जो अटैक हुआ था यहाँ पे तो जब ये कैपिटल को शिफ्ट करने की बात की जा रही थी कलकत्ता से दिल्ली जो है वो कैपिटल शिफ्ट की जा रही है उसी दौरान 1912 में ये हमला इनके ऊपर यहाँ पे किया गया और इसी को दिल्ली कॉन्स्परेसी के रूप में रूप में जानते हैं अच्छा अगर रेडियो टेलीविजन फिल्म और प्रिंट मीडिया आपसे पूछी जाए कि किस आ, किस दौरान भारत में आए थे या इनका जो क्रम था भारत में आने का वो क्या क्रम था तो बताएंगे आप क्या रहेगा सबसे पहले प्रिंट आता है ठीक है या रेडियो आता है या फिल्म आती है या टेलीविजन आता है ना इसको हम थोड़ा सा हिस्ट्री के हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पे देखिए प्रिंट जो है वो कहते हैं कि सबसे पहली बार जो है वो भारत के अंदर प्रिंट आई थी किसके टाइम किसके टाइम पे आ गई थी तो प्रिंट को पी को जरा पी से ही लर्न करेगा यानी कि पोर्तुगीज़ से लर्न करेगा तो भारत के अंदर जो प्रिंट मीडिया थी वो आई थी कब

उसके बाद ए आई आर आता है प्रसार भारती के द्वारा जिसका हेडिंग जो है प्रसार भारती के द्वारा की गई थी बाद में इसी के चलते दूरदर्शन जो है वो भी लॉन्च किया गया था तो रेडियो जो है वो 1927 में आ रहा है अब प्रिंट भी आ गया फिल्म भी आ गई रेडियो भी आ गई तो लास्ट में कौन आया लास्ट में आया भाई आपका टेलीविजन तो ये जो टीवी है ना ये भारत में कौन से साल के दौरान शायद रिलीज किया होगा या पहली बार टीवी भारत में कब आया तो 1951 के आसपास है ना 1951 के आसपास टेलीविजन जो है वो भारत में आ गया था अब आप जरा देखो 2021 तक आने तक भारत में टीवी की जो महत्वता है वो बहुत ही कम हो गई है क्यों अब इसमें एक और चीजें जोड़ दी जानी चाहिए वैसे भारत में सोशल मीडिया कब आया है ना तो जब से सोशल मीडिया आया है तब से भारत के अंदर टेलीविजन जो है वो कमी होता जा रहा है तो प्रिंट फिल्म रेडियो टेलीविजन करके आप चार पॉइंट्स याद रखिए और जो सोशल मीडिया आया भी था उसके ऊपर काफी बढ़िया तरीके से ना यहाँ पे आ गया है यहाँ पे मतलब चलिए बताइए द फेमस लालबाग गार्डन ऑफ द बेंगलोर वाज कमीशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर बेंगलोर का प्रसिद्ध लालबाग उद्यान निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था तो देखिए आप कानपुर में देखिए कानपुर में है या बेंगलौर में है उसी तरीके से काफी जगह पे ना यहाँ पे आ, याद रखिए उसी उसी तरीके के काफी ज्यादा स्टेट जो है ना उसमें कंपनी बाग जैसे बोलते हैं या लाल बाग जैसे पूछा जाए आपसे कि बेंगलोर का जो लाल बाग था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था कौन से शासक किया किस राजा के द्वारा शुरू किया गया था तो हैदर अली करके याद रखिए आपने एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ी है तो एंग्लो मैसूर वॉर में पहली जो वॉर थी वो किसके द्वारा करी जा रही है पे या लड़ी जा रही है, तो एंग्लो मैसूर ठीक है आपको? एंग्लू, एंग्लो, एंग्लो मैसूर वॉर विच हु डेयरिंग मर्डर ऑफ कर्जन वाइले इन जीरोन तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है बताइए यहाँ पे कि 1907 में लंदन में एक जनसभा में सर करजन वॉयली की सबसे साहसी तरीके से हत्या की गई थी और ये हत्या जो है ना वो किसके द्वारा की गई थी ये बताना है आपको बताइए बताइए जल्दी से बताइए ये, ये किसके द्वारा हत्या यहाँ पे हुई थी तो किसके द्वारा हुई थी बताइए जल्दी 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 किसके द्वारा की गई थी ये ये सारे क्वेश्चन आपको लर्न करने पड़ेंगे एकदम शानदार तरीके से इनको भूले तो गड़बड़ हो जाएगी एम एल ठीक है एम एल ढीगरा करके याद रखिए मोस्ट डेयरिंग मर्डर ऑफ सर कर्जन वैली उन्नीस सौ सात एम एल ट्रीटी ऑफ अली नगर वॉर साइन बिन बिटवीन विच ऑफ दी फॉलोइंग टू पर्सन अली नगर की संधि किन दो लोगों के बीच में होती है या अली नगर की संधि जो है वो किस दौरान और किसके किसके साथ होती है तो अली नगर की संधि जो थी वो पे 54 की लड़ाई के बाद 57 में हो रही है कौन सी तारीख भाई संधि की ना आपको तारीखें लर्न करनी पड़ेंगी कभी पता लगे आपको संधि की सिर्फ तारीख ही पूछ ली पूछ ली जा रही है यहाँ पे तो थोड़ा सा ना तारीख जो है ना उसको लर्न करना पड़ेगा ट्रीटी ऑफ अली नगर की संधि जो थी वो क्लाइव के बीच में और शिराज उदौला याद रखा नहीं, तो 1757 करके याद रखिए पे 1757 ठीक है और यहाँ पे को लेके था ये पूरा जितनी भी संधियां देखिए अंग्रेज अगर कुछ कर नहीं पाते थे तो वो संधि कर लेते थे बड़ा उनका पासना बड़ा इजी सा सिस्टम था तो विदेरा का युद्ध वर्ष सेवनटीन में निम्नलिखित में से किस दो शक्तियों के बीच में लड़ा गया था तो विदेरा का युद्ध जो है वो इंग्लिश और डच करके याद रखना है यानी कि अंग्रेज बनाम डच जेंटू कोड के अनुवाद का वित्त पोषण किस के द्वारा किया गया था ट्रांसलेशन ऑफ जेंटू कोड जेंटू कोड किसके द्वारा किया गया था देखिए ये पहली बात तो याद रखिए कि एक लीगल तरीके का कोड था जिसको संस्कृत से कन्वर्ट किया गया था किससे कन्वर्ट किया गया था संस्कृत से और फिर पर्शियन में और फिर इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा रहा है इसको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, था लीगल कोड होता था जिसको ट्रेनिंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते थे तो वॉरन हेस्टिंग करके याद रखे जेंटू द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइंड इन ऑफ फॉलोइंग ईयर मैंगलोर की जो संधि थी जो कि टीपू सुल्तान के साथ की गई थी तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है वो कब आ, कब साइन की गई थी तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब खत्म हो रहा है सेवनटीन में यहाँ पे खत्म हो रहा है तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर पे सेकंड से, 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 सेकंड एंग्लो मैसूर के वॉर हो रहे हैं पे ये ट्रीटी और 1784 करके आप लोगों को याद रखना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग द टेनेंसी एक्ट वॉज पास लॉर्ड हेस्टिंग के समय में बेंगाल काश्तकारी नियम यानी कि बेंगाल टेनेंसी एक्ट जो है वो कौन से साल में पारित हुआ था तो अट्ठारह करके याद रखिए बेंगाल टेनेंसी एक्ट जो है वो अट्ठारह में पारित किया जा रहा है द सेवन ईयर वॉर स्टार्टेड इन योर इन विच ईयर बताइए यूरोप में सात वर्षीय युद्ध की शुरुआत कौन से वर्ष से हुई थी यूरोप में वॉर हुआ था पूरा का पूरा सेवन ईयर वॉर था कब से कब तक हुआ था यहाँ पे तो इस वॉर की शुरुआत तो हुई थी यूरोप तो पूरे पूरे शुरू हुआ, हुआ और गैप कितना था ये तीनों चीजें लर्न कर लीजिए यूरोप वॉर स्टार्टेड इन सेवनटीन फिफ्टी सात साल का वॉर और सेवनटीन सिक्सटी थ्री में ये वॉर जो है वो खत्म हो जा रहा है

तो ट्रीटी ऑफ पेरिस ठीक है बी वाला जो ऑप्शन है काफी इजी क्वेश्चन है आराम से आंसर कर सकते हैं मतलब अभी ऐलान हो गया तो बोलेंगे नहीं ये वाली कंडीशन बनाइए कि 1757 में शुरू हुआ जो वॉर था सात साल चला 1763 में खत्म हो जा रहा है और उसके बाद इस ट्रीटी की जो मतलब ये जो वॉर थी उस कौन सी ट्रीटी से खत्म हो रही है तो ट्रीटी ऑफ पेरिस करके याद रखिएगा राइट right? अभी ये बताइए इन विच नवाब ऑफ ट्रांसफर दी बनारस टू दी कंपनी अवध के नवाब ने किस वर्ष बनारस की कंपनी जो है या बनारस आ, को कंपनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है यहाँ पे तो 1775 करके याद रखिए सत्रह में यहाँ पे छेद सिंह कहते हैं छेद सिंह नाम था छेद सिंह करके ठीक है सी एच ई टी छेद सिंह करके अब ये किसके अंडर में आ जा रहे हैं यहाँ पे कंपनी के अंडर में आ जा रहे हैं 1775 की बात है ये जिस टाइम पे बक्सर की लड़ाई जैसे बोल देंगे दो महत्वपूर्ण लड़ाई यहाँ पे एक तो बैटल ऑफ प्लासी और एक बैटल ऑफ बक्सर ये दो लड़ाइयों के बाद कहा जाता है कि भारत जो है वो भारत में अंग्रेजों को 1707 यानी कि औरंगजेब जब तक रहा तब तक अंग्रेज भारत में किसी भी तरीके से चाहे इकोनॉमिकल है चाहे सोशल है चाहे ट्रेडिंग है बिजनेस है बिजनेस फाइनेंशियल नहीं कर पाए थे ज्यादा चीजें लेकिन 1700 से 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो वहां फिर इनको पूरे के पूरे साठ साल भी नहीं लगे और सत्रह में भारत में बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का आधिपत्य जो है वो पूरी तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों में शामिल हो जा रहा है मतलब बंगाल तो उनके अंदर पूरा का पूरा ही गया था तो बक्सर के बाद अब जो है ना वो फाइनेंशियली भी सोशली भी जॉन शोर के द्वारा जो कॉन वैलेस थे उनकी रिप्लेसमेंट की गई थी साल कौन सा था 1793 ठीक है 1793 में कॉन वैलेस का सेशन खत्म हो जाता है या शासन जो है वो खत्म हो जाता है और जॉन शोर जो है वो यहाँ पे आके अपना काम शुरू कर देते हैं डुंडास बिल वॉज इंट्रोड्यूस बाई इन विच ईयर या पहली बात तो ये कि डुंड बिल होता गया है तो डुंडास बिल जो है वो पहला यहाँ पे हेनरी डुंडा करके जो है इनका नाम है यहाँ पे जो रेगुलेटिंग एक्ट से भारत के अंदर आते हैं तो इनका पूरा नाम याद रखिए जिस नाम से इनको बिल को ही इनके नाम से ही जाना जाता है हेनरी डुंडा ठीक है भारत के अंदर एक रेगुलेटिंग एक्ट से शामिल हो जाते हैं और नाइन ये 1781 का जो एक्ट था उससे इनको शामिल किया गया था और भारत के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कौन सी साल में 1790 1783 थोड़ा सा ढंग से इसको समझिएगा कि ये क्या है और ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है तो हेनरी डुंडा की सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंटमेंट भारत में होनी है उसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट था 1781 का जिसके तहत इनको भारत में 1783 के अंदर क्या कर दिया जा रहा है यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है और ये जो पूरा का पूरा डेट्स वगैरह हैं ये हल्का सा इनको कोरेलेट करके तो तो पे कौन से पार्ट से पार्ट संबंधित वैसे तो आपने भी पढ़ा होगा, काफी ज़्यादा चीजें पढ़ी होंगी लेकिन अभी आपसे मैं पूछूं कि लॉर्ड मैक्यूले किस चीज के लिए फाइनली जाने जाते हैं भारतीय दंड संहिता भारतीय वन नीति जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का मसौदा या समुद्री व्यापार नीति का मसौदा बताइए भारतीय निम्नलिखित में से किस मसौदे का श्रेय लॉर्ड मैक्यूले को जाता है बताइए इंडियन पीनल कोड करके लिख दें पे इंडियन पीनल कोड बहुत ही शानदार इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता का मसौदा करके याद रखिए इन बीच महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी किस वर्ष पूर्णतः रूप से दक्षिण भारत से यहाँ पे दक्षिण भारत से यहाँ पे भारत के अंदर दक्षिण भारत से दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौट आते हैं तो भाई इसके लिए साल यहाँ पे 1915 याद रखिएगा साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौटते हैं कौन से साल में 1915 1915 इन सौ ईयर स्वराज पार्टी uh, कौन से वर्ष में स्वराज पार्टी जो है उसका गठन किया गया था तो स्वराज पार्टी किसके द्वारा शुरू की गई थी पहले तो ये याद रख लीजिए स्वराज पार्टी जो है वो चित्रंजन दास मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू की गई थी और अगर 1923 बोलेंगे तो कुछ गलत यहाँ पे नहीं होने वाला है नाइनटीन ट्वेंटी थ्री याद रखिए चित, सी आर दास चित्रंजन दास नेहरू जी के द्वारा नेहरू जी कौन से मोतीलाल नेहरू और यहाँ पे विठल भाई पटेल यानी कि वल्लभ भाई पटेल के यहाँ पे भाई है ना तो ये तीनों नाम याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू सीआर दास और विठल भाई पटेल ठीक है वल्लभ भाई पटेल के भाई यहाँ पे करके तो तीनों लोग का नाम ही याद रखी और भी लोग थे शामिल इसमें एक दो लोग और भी थे जैसे नरसिम्हन जी बोलते हैं उनका पूरा नाम क्या था यहाँ पे इस पार्टी के अंदर लेकिन स्वराज पार्टी को 1923 में स्थापित किया गया था 1907 में भारतीय विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के सदस्य कौन बनते हैं अब विकेंद्रीकरण क्या डिसेंट्रलाइजेशन तो ऐसा नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन अभी किया जा रहा है पहले से ही किया जा रहा था उन्नीस में डिसेंट्रलाइजेशन भारत के अंदर शुरू हो गई और रोमेश चंद्र दत्त करके याद रखे रोमेश चंद्र दत्त जो है वो यहाँ पे 1907 में विकेंद्रीकरण के आ, मेंबर बनते SC बोस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आईएनसी नेशनल कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ऑफ फॉलोइंग सेशन एससी बोस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे कार्य किया तो आईएनसी के कौन से सेशन में एसी बोस थे बताइए हरिपुरा सेशन याद रखना है 1938 हरिपुरा और त्रिपुरी ये दो सेशंस हैं जिसमें सुभाष चंद्र बोस की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो तो हरिपुरा और त्रिपुरी और इन दोनों ही सेशन में इन सुभाष चंद्र बोस जी की थी थोड़ी महात्मा गांधी के साथ पट्टी नहीं थी जैसे मैंने कई बार रिपीट किया है आइडियोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट थी लोगों की तो महात्मा गांधी जी से ज्यादा कुछ जो है वो मेल नहीं खाती थी आइडियोलॉजी तो त्रिपुरी सेशन में पूरा का पूरा थोड़ा फाइट हो जाता है यहाँ पे पी सित्तारमैया जो कंटेंट यहाँ पे बन जाते हैं लेकिन उसके बाद भी एस बोस जो है वो यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं तो थोड़ा सा उसी कॉन्टेक्स में याद रखिएगा नाइनटीन निम्नलिखित में से मैग्ना काटा यानी कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एज दी मैग्ना काटा ऑफ इंडिया पीपल इंडियन पीपल भारतीय लोगों का मैग्ना काटा किसे माना जाता है यहाँ पे या कौन से बिल को हम भारतीय लोगों का मैग्ना काटा मानते हैं तो क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन महारानी विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन के नाम से इसको बोला जाता है ठीक है न्यूज पेपर वो स्टार्टेड बाईन एनी बेसन बताइए इनमें से कौन सा न्यूज पेपर जो है वो एनी बेसन के द्वारा शुरू किया गया था तो क्लियरली क्लियर एंड लाउड न्यू इंडिया राइट टाइम्स ऑफ इंडिया इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू तो न्यू इंडिया करके याद रखिए एनी जी के द्वारा न्यू इंडिया नाम का न्यूज़पेपर शुरू किया गया था विच ऑफ दी फॉलोइंग वाज़ द रियल फाउंडर ऑफ दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू अभी पीछे कोरोना के चलते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा न्यूज में आई थी और काफी सैड न्यूज से रिलेटेड थी क्योंकि सोलह से सत्रह प्रोफेसर जो है वो उनकी कोरोना के चलते यहाँ पे मृत्यु हो गई थी और आपसे अगर रियल फाउंडर पूछा जाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तो सैयद सर सैयद अहमद खान ठीक है सर सैयद अहमद खान जो है वो रियल फाउंडर जो है वो बोले जाते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भारतीय सिविल सर्विस का प्रावधान था मतलब भारत के अंदर पहली बार इंडियन सिविल सर्विसेज जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए तो कौन से एक्ट में एक्ट आपको सारे याद रखने हैं रेगुलेटिंग एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट उसके बाद

जो है वो यहाँ पे प्रोविजन इसका बता दिया गया था वाइसुराय दी जलिया वाला बाग, बाग में से कर टुक प्लेस। जलिया वाला बाग हत्याकांड के समय पे वाइसुराय जो है वो कौन था यहाँ पे तो जलियावाला बाग में से कर तेरह अप्रैल उन्नीस सौ उन्नीस जलियावाला जलिया किया क्यों गया था या देखिए जलियावाला बाग में पीसफुल प्रोटेक्शन हो रही थी और यहाँ पे दो आपको याद रखने पड़ेंगे एक तो फरवरी 1919 के महीने में 1919 के महीने में फरवरी में 1919 साल में फरवरी में एक पीसफुल प्रोटेक्शन किया गया था और दूसरा प्रोटेक्शन किया गया था अप्रैल नाइनटीन में एक किया गया था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट तो फरवरी वाला जो था वो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में किया गया था पीसफुल प्रोटेक्शन राइट और ये बॉम्बे में हुआ था तो ये वाला आपको बॉम्बे के लिए याद रखना है और 13 अप्रैल 1919 1919 वाला जो था 1919 19 वाला ये किया गया था जलियावाला बाग में और ये क्यों किया गया था सत्यपाल सत्यपाल जी जो थे और किचलू दो नाम आपको याद रखना है सर सत्यपाल और सर किचलू इन दोनों के लिए ये जो पूरा का पूरा प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन ये प्रोटेस्ट था वो किया जा रहा था पीसफुल और इसमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि कौन वॉइसराय था तो वॉइसराय उस टाइम पे चेम्स फॉर्ड करके याद रखिएगा जनरल ई डायर के द्वारा हत्या कराई गई थी जनरल ओ डायर के द्वारा हत्या को सही साबित किया गया था कि भाई जो हुआ वो सही हुआ ऐसा बोलने पे उधम सिंह के द्वारा केकस्टन हॉल में जनरल ओ डायर की हत्या की गई थी ना कि ई डायर की तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखिएगा चेम्स निम्नलिखित में से कौन भारतीय इतिहास में पहली बार ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करता है देखिए ये थोड़ा सा ना आप लोग याद रखिएगा काफी मोटिवेटेड रहेगा आप लोगों के लिए इनमें से पहली बार और भारत के इतिहास में इनिशियल अगर स्टेजेस की बात करें तो दो ही लोग थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा को आ, पास किया था जिसमें से ये बोला जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने ये परीक्षा सबसे कम समय में पास कर रही थी मतलब सबसे कम टाइम लगा था और ही क्वालिफाइड एक्चुअली है ना तो पे बताइए कि कौन है ऐसे जिसने सिविल सेवा या सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है ना वो यहाँ पे पास कर ली थी पहली बार किसने पास की थी ये बता दीजिए जरा बस पहली बार पहली बार किसके द्वारा पास की गई थी ये परीक्षा जल्दी 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 पहली बार किसके द्वारा सिविल सेवा परीक्षा पास की गई थी क्या बात है सत्येंद्र नाथ टैगोर याद है ना आप सबको सत्येंद्र नाथ टैगोर जी याद रखिए पहली बार जो है ना ये सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा सिविल सेवा जो है वो पास की गई थी विच ऑफ दी फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सर्विसेज ऑफ द रेलवे एंड टेलीग्राफ बताइए निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने रेलवे और टेलीग्राफ सिस्टम की सेवाओं की शुरुआत की थी ये क्लास जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो फ्राइडे है ना उसी को ही आती है क्यों क्योंकि भाई ये वाली जो क्लास है ये चलेगी आपकी अन अकेडमी पे राइट अन अकेडमी पे अपन 9 से 9:35 के बीच में अब से जो है यानी कि कल से तो कल से ही आपकी अन अकेडमी पे नौ से नौ पैंतीस के बीच में एक क्लास चलेगी जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस थोड़ा सा करेंगे तो कल तो चलेगी चलेगी अब उसी में हम सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिक्स करेंगे जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कल भी मैं आपको ना ट्रेडिशनल हिस्ट्री के थोड़े से क्वेश्चन जो है ना या पॉलिटी के क्वेश्चन जो है वो मैं कराऊंगी यहाँ पे है ना तो अभी के लिए आप ये लर्न कर लीजिए हिस्ट्री में आपको कल यहाँ पे कराऊंगी जो की आपका अन पे रहेगा है ना नौ बजे तो ये क्लास आपकी सिर्फ चलती है कौन से दिन में सिर्फ और सिर्फ चलती है आपकी फ्राइडे को तो ये फ्राइडे क्लास आप देख सकते हैं बाकी वन लाइनर जो है वो जी के संडे को चलता है उसको आप फॉलो कर लीजिए तो भैया लॉर्ड को बोला जाता है। कौन सी तारीख में उन्होंने शुरू की थी तो अठारह में 1853 में पहली बार जो है उन्होंने टेली रेलवे रेलवे पहली बार चली कहां से कहां के बीच में थी तो बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी ये रेलवे और इन्नी को ही यानी कि लॉर्ड डलहौजी को ही यहाँ पे जनक बोला जाता है रेलवे के लिए भी और टेलीग्राफ के लिए भी भारत में निम्नलिखित में से कौन एम के गांधी से प्रेरणा लेते हैं बताइए हु अमंगज इंस्पिरेशन फ्रॉम द एम के गांधी यानी कि गांधी जी की बात कर रहे हैं और अब्दुल गफ्फार खान करके याद रखिए हालांकि आइडियोलॉजी तो सबकी मैच कर रही है यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन समझिएगा इस तरीके का क्वेश्चन आपको लिखा आएगा ना लीडर ड्रा हिज इंस्पिरेशन तो अब्दुल गफार खान करके आपको याद रखना है हु अमंग्स द फॉलोइंग लीडर मेड दी फेमस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नेता ने संविधान सभा में प्रसिद्ध उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया गया था या किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य संकल्प करके तो जवाहरलाल नेहरू करके याद रखिए ठीक है जवाहरलाल नेहरू हु वॉज दी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू इंडियन डोमिनियन नए भारतीय डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल जो है वो किसको बोला जाता है बताइए पहले न्यू इंडियन नए भारतीय डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे लास्ट क्वेश्चन है सही आंसर दे दीजिए है ना लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे हु फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडियन इंडियन फ्री इंडियन डोमिनियन तो सी राजगोपालचारी है ना पूरा नाम क्या लर्न करना है अच्छा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू इंडियन डोमिनियन करके मेंशन किया है तो मैं सी राजगोपालचारी लिखूंगी या माउंट बेटन ये बता दीजिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू इंडियन डोमिनियन फर्स्ट गवर्नर जनरल मतलब सी राजगोपालचारी जी दिया जा रहा है कई लोगों के आंसर तो वो फर्स्ट थे कि लास्ट थे भाई वो लास्ट नहीं थे आपको नहीं लगता वो लास्ट थे न्यू इंडियन डोमिनियन क्या न्यू इंडियन डोमिनियन क्या नाइन अच्छा आपको एक बात बताओ उन्नीस से 1950 के बीच में क्या भारत पूरी तरीके से आजाद था ये चीज आप में से कितने लोग समझ पाए हैं अभी तक वो बताइएगा हम ये बोल देते हैं कि भारत को आजादी जो है 1947 में कंप्लीट रूप से मिल जा रही है पर क्या ये कंप्लीट अपने आप में कंप्लीट था या 1950 में हम पूरी तरीके से फ्री हुए हैं में जब ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटिव भारत को कंप्लीटली छोड़ के जाते हैं तब बोला जाता है यहाँ पे कि वी आर कंप्लीटली फ्री तो यहाँ पे ना लास्ट लिखना है ठीक है यानी कि माउंट बेटन लिखिए इंडियन डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल जो है वो माउंट बेटन थे ठीक है फर्स्ट की बात हो रही है तो ये एक बार ये सारे क्वेश्चंस ये फॉलो करेगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके की अपनी क्लासेस जो है वो अनअकेडमी पे चलती हैं साइंस का टेस्ट अगर आप यूट्यूब पे देना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप भी आपका सात बजे कल जो है ना वो एक टेस्ट होने वाला है सौ क्वेश्चन का जो साइंस के टेस्ट का ही होगा मतलब साइंस का ही होगा उसके अलावा अन अकेडमी पे जो है वो आप 50 जी के टेस्ट दे सकते हो कितने बजे सात बजे तो 7 पीएम पे आप 50 जी के टेस्ट जो है वो यहाँ पे दे सकते हो फ्री लाइव टेस्ट होगा अनअकेडमी पे होगा उस अनअकेडमी का कल के टेस्ट का जो लिंक है बजे का वो यहाँ पे आप लोगों के लिए अपडेट हो जाएगा uh, पे पे स्कॉलरशिप जो पूल है है वो आपका पे चल रहा बढ़िया तरीके से हर संडे आप टेस्ट दीजिए आप वन टू फाइव हंड्रेड की रैंक में यहाँ पे आ सकते हैं और एस एस सी पे ही एस एस सी के प्रिपरेशन के लिए अन अकेडमी पे शानदार तरीके से काफी सारी क्लासेस वीडियो लेक्चर्स ये सारे आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया कोई भी अन अकेडमी पे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या कोड आप यूज करेंगे तो कौन सा कोड आप यूज करेंगे शिप्रा लाइव इससे आपको जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस हैं वो सारी सारी की मिल जाएंगी आप आराम से जीके के भरपूर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए जीके के हम एक हफ्ते के अंदर कम से कम जो है ना मैं आपको पांच क्वेश्चन तो करा ही देती हूँ ना तकरीबन तकरीबन जीके के ना 500 क्वेश्चन आप कर लेते हो मेरे साथ एक ही एक वीक की मैं बात करूं सिर्फ एक हफ्ते की एक हफ्ते के अंदर अपन जीके के 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं अगर रिपीटेशन की बात ना करें तो उसके लिए आपको अन अकेडमी और यहाँ दोनों जगह आना पड़ेगा ना तो शिप्रा लाइव कोड इस्तेमाल कर लीजिए कल आपकी दो से तीन साइंस का टेस्ट है छ से सात अपनी बायो की क्लास होती है सात से आठ जीके वाला टेस्ट और नौ से दस आपकी यहाँ पे एक सब्जेक्ट का टेस्ट जो है ना वो हम करने लग रहे हैं तो हिस्ट्री की क्लास आपकी यहाँ पे हो जाएगी बाकी कोई भी सब्सक्रिप्शन आप अन अकेडमी पे लेते हो आप शिप्रा लाइव कोड जो है वो यूज कर सकते हो यहाँ पे और आप पहले करके तो सबसे पहली चीज ये करिए कि आप अन अकेडमी पे फॉलो कर लीजिए फॉलो करने के बाद क्लासेस वगैरह की जो मैसेजेस हैं वो आपको सारी की सारी मिल जाएंगी अन अकेडमी क्या जाइए शानदार भी और जीके के भी तो कल आपको साइंस के लिए यूट्यूब पे सात बजे आना है सुबह सात बजे यहाँ पे तो कल से आपकी क्लास जो है साइंस की सात बजे टेस्ट जो है वो होने वाला है अभी के लिए गए थैंक यू सो मच आपको क्लास का लिंक और इस क्लास की पीडीएफ जो है वो इस क्लास के नीचे अपडेट यहाँ पे होके मिल जाएगी तो अभी सुबह सात बजे मिलते हैं यहाँ पे अभी के लिए गए थैंक यू सो मच